हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिकल मोबाइल्स कम मोबाइलिटी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। दोस्तों, रिसेंटली हमने देखा कि ओला में एक बहुत ही बड़ा जंप आया, बहुत सारे लोगों ने बाई भी किया एंड अगेन यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली। तो क्या ये पंप एंड डंप था? अगर पंप एंड डंप होता तो यहाँ पर स्टॉक में हमें आगे क्या देखने को मिलेगा कि स्टॉक में एक रिवर्सल नहीं होगा। एंड अगर यहाँ पर पंप एंड डंप नहीं है, कंपनी में वैल्यू है एंड वैल्यू के हिसाब से स्टॉक जो आपका 70 के लेवल पे लिस्ट होने के बाद 150 रुपीज़ गया वैल्यू के हिसाब से, तो अगेन स्टॉक में गिरावट जो है वो ज़्यादा नहीं होगी एंड अगेन रिवर्सल दिख जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अभी के टाइम हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या ये पंप एंड डंप था या फिर वैल्यू इन्वेस्टमेंट थी, अब वो भी इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टॉक की बात की जाए तो आपका ओपन होता है 139 रुपीज़, 139 रुपीज़ का हाई लगाता है, 126 रुपीज़ का लो लगा देता है। रिसेंटली हमने देखा, आज के दिन की भी बात की जाए तो स्टॉक यहाँ पे 5% के आसपास गिरते हुए नजर आ रहा है एंड 131 रुपीज़ के लेवल्स पे पहुँच चुका है। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो टोटल यहाँ पे आज हमें 10 करोड़ का वॉल्यूम दिखा है, जिसमें 1400 करोड़ के वैल्यू के शेयर ट्रेड होते हैं बट डिलीवरी बहुत कम है। ओला इलेक्ट्रिकल्स ऑलमोस्ट ऊपर के लेवल से हाईएस्ट जो इसने लगाया था वहाँ से ऑलमोस्ट 15% से भी ज़्यादा गिर चुका है, बट यहाँ पे डिलीवरी ज़्यादा नहीं उठाई जा रही है। मतलब लोगों को ये डर है कि कल कहीं और ना गिर जाए, इस वजह से यहाँ पर बायर्स जो है इंटरेस्टेड नहीं है। ओला ने यहाँ पर जो हाई लगाया था वो आपका था 157 रुपीज़ का। जब ये 157 रुपीज़ के लेवल्स पे जब गया था ना दोस्तों 20 अगस्त को, तो मैंने अपने टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया था कि यहाँ पर ओला में जो है कि ये सेलिंग बनेगी, तो सेलिंग बनने से पहले अपने प्रॉफिट को जरूर बुक कीजिए, जैसा कि मैं आपको अपडेट भी दिखा देता हूँ। जैसे ओला में दोस्तों मैंने आपको सिंपल सा एक अपडेट दिया था यहाँ पर, ये मेरी 20 अगस्त की पोस्ट है, टेलीग्राम पे आप चेक कर लेना, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे अपडेट दिया था कि ओला इलेक्ट्रिकल अगर किसी के पास भी है ना शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से, तो एक बिग मूव आ चुका है, तो प्रॉफिट को बुक जरूर कीजिए एंड फ्रेश एंट्री यहाँ पर बिल्कुल नहीं करनी है। ये पोस्ट थी अपनी 9:15 पे मैंने ये पोस्ट अपलोड की थी एंड उसके बाद ओवरऑल स्टॉक में तेजी भी बनी, 157 तक भी स्टॉक गया एंड उसके बाद जो सेलिंग आई एंड 130 रुपीज़ के लेवल्स पे अभी ये स्टॉक जा चुका है। तो ओवरऑल ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए, नॉलेज के लिए आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ओला से रिलेटेड एक गवर्नमेंट अपडेट्स भी देखने को मिला है, एक सरकारी न्यूज़ भी देखने को मिली है, वो ये है कि पीएलआई स्कैम में यहाँ पर ओला स्कीम में जो यहाँ पर ओला जो है शामिल हो चुका है। ओला जो है वो यहाँ पे अपने फॉर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए पीएलआई प्रमाणम हासिल करने वाली एकमात्र ईवी निर्माता बन चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ओला जो है वो पीएलआई स्कीम के तहत अपने स्कूटर्स जो है वो यहाँ पे सेल कर सकती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है ओला के लिए आने वाले समय के लिए। अच्छी खासी सब्सिडी जो है, जो भी ओला को अगर बाई करता है पीएलआई स्कीम के तहत, तो अच्छी खासी सब्सिडी जो है वो यहाँ पे बायर्स को मिलते हुए देखने को मिलेगी। तो ये एक बेटर है कंपनी के लिए, बट इसका इम्पैक्ट हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा रिजल्ट्स पे, रिजल्ट्स देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पीएलआई स्कीम की तरफ से ओला को एक बेनिफिट तो होगा, बट कितना बेनिफिट होगा वो हमें आगे देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि क्या ओला का फ्यूचर है, क्या ये ओला लॉन्ग टर्म में 1000 रुपीज़ के लेवल्स दिखा सकता है। देखिए फ्यूचर का अगर देखा जाए तो किसी को पता नहीं होता है मार्केट में, बस एक प्रिडिक्शन होती है कि क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे में अगर मेरी प्रिडिक्शन की बात करूँ तो हमें क्या चाहिए, हमें बस यही चाहिए कि कंपनी प्रॉफिट करे। हमने क्या देखा कि सुजलॉन जैसी कंपनियाँ जो है वो मल्टीबैगर क्यों बनी, रीज़न क्या था? रीज़न सिंपल था, कंपनी लॉस में क्यों गई, कंपनी 1 रुपये पे क्यों आई, सुजलॉन का शेयर 400 से 1 रुपये 2 रुपये पे क्यों आया, क्योंकि कंपनी घाटे में थी। अगेन 1 रुपये 2 रुपये से 80 रुपये क्यों गया, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। तो सिंपल सी चीज़ें, ओला यहाँ पर जो है कि अभी तो चलो लॉस में स्टॉक में जंप आया, तो नॉर्मली मैं इसे ऑलमोस्ट पंप ही मानूंगा कि स्टॉक को पंप किया गया है, बट यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से जो लोग एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं, 1000 रुपीज़ के लेवल्स के टारगेट्स लेके बैठे हैं, सिंपल सा मेरा यही व्यू है कि अगर कंपनी तगड़ा प्रॉफिट करती है तो वहाँ तक जा सकती है, अगर बड़े प्रॉफिट्स नहीं करती है तो वो लेवल्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में एक वॉलिटिलिटी क्रिएट की जा सकती है, बट लॉन्ग टर्म में हमेशा मार्केट कंपनी के वैल्यू को देखता है, जो उस कंपनी की वैल्यू होगी वही वैल्यू उस कंपनी को दी जाएगी। ओला का बिजनेस मॉडल बेटर है, बट इस बिजनेस में कंपटीटर्स भी है। उसी के साथ साथ मार्केट कैप की बात की जाए, 57,000 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है एंड उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आरओसी नेगेटिव में है, पीई रेशियो है नहीं, क्योंकि कंपनी घाटे में चल रही है। अपने सेगमेंट में यहाँ पर चौथे स्थान पर हमें दिख रही है, ये 3 बड़े कंपटीटर्स भी है, रतन इंडिया पावर्स भी इस कंपनी का कंपटीटर है। वही अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूँ, रेवेन्यू तो जंप कर रहा है बट कंपनी के मार्जिन यहाँ पर जो माइनस
प्लस में आने की कोशिश कर रही है, अच्छी बात है। उसी के साथ साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, ओवरऑल कंपनी हमें लॉस में देखने को मिल रही है। ईयरली वाइज कंपनी 1500 करोड़ का लॉस कर रही है। बैलेंस शीट में कुछ ज़्यादा खास है नहीं। रिजर्व की बात की जाए बहुत ज़्यादा माइनस में है, डेप्ट बहुत ज़्यादा है, उसी के साथ साथ एसेट जो है वो यहाँ पर बहुत देखने को मिल रहे हैं 7700 करोड़ के, बट डेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। देखिए ओला में मेरा सिंपल सा व्यू है, ओला में मैं यहाँ पर क्वार्टर टू के रिजल्ट्स का वेट करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि कंपनी के जो मार्जिन्स है ना वो माइनस से प्लस में जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 32,000 माइनस के आंकड़े थे, फिर 214 रह गए, फिर 48 रह गए, अभी 25 रह चुके हैं, 25 माइनस के मार्जिन्स रह चुके हैं। अगर ये मार्जिन्स प्लस में चले जाएंगे ना तो कंपनी क्या दोस्तों प्रॉफिटेबल बन जाएगी। अगर मार्जिन्स कंपनी के प्लस में चले जाते हैं तो कंपनी प्रॉफिटेबल बन जाएगी, एंड उस बेसिस पे फिर कंपनी का पी रेशियो भी शो होना शुरू होगा। तो मैं ओला में क्या करूँगा, क्वार्टर टू के रिजल्ट्स का वेट करूँगा। हमने क्या देखा कि यहाँ पे लास्ट क्वार्टर कंपनी के मार्जिन -20% थे, अभी -12 है, तो मे बी शायद ऐसा हो सकता है कि अगले क्वार्टर में कंपनी के जो मार्जिन्स है वो -5% रहे, उससे अगले क्वार्टर यहाँ पे कंपनी के मार्जिन प्लस में आ सकते हैं। तो ये मेरा पर्सनली व्यू है। तो ओला में सिंपल सी चीज़ें, अगर मेरा नज़रिया लॉन्ग टर्म है तो मैं इसमें यहाँ पर क्वार्टर टू के रिजल्ट्स का वेट करूँगा। क्वार्टर टू के रिजल्ट्स में मुझे अगर मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिखता है तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर इसमें निवेश का विचार करूँगा। बाकी दोस्तों थोड़ा सा रिस्क ये भी है क्योंकि पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा है, जैसे ही थोड़ी नेगेटिव न्यूज आएगी स्टॉक क्रैश करेगा। थोड़ी सी मान लो कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो स्टॉक में तेज़ी बहुत स्लो बनेगी। क्यों? क्योंकि हमें ये देखने को मिलेगा कि पब्लिक कभी भी अचानक बाइंग नहीं, धीरे धीरे करके बाइंग करती है, तो ऐसे में यहाँ पर अगर देखा जाए, बट जब भी पैनिक होता है तो सभी लोग अचानक सेल कर देते हैं, ये चीज़ें हमने देखी है। तो अगर नेगेटिव न्यूज़ पे स्टॉक्स में एक सेलिंग दिख सकती है। FII & DII वालों की होल्डिंग कम है तो थोड़ा सा हमें रिस्क देखने को मिलता है। कंपनी में लॉन्ग टर्म निवेश व्यू के हिसाब से मैं ओनली फॉर तभी इन्वेस्ट कर मैं ऑलमोस्ट कंपनी के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स का वेट करूंगा, रिजल्ट्स को देखूंगा, उसके बाद मैं निवेश करने की सोचूंगा। शॉर्ट टर्म पर्पस के हिसाब से मेरा क्या व्यू है, शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से दोस्तों मेरा ये मानना है ओला में सिंपल सा व्यू है। ओला अभी के टाइम 126 रुपये का ये जो सपोर्ट रेंज था वहाँ पे आज सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके रिवर्स किया। जब तक 126 के ऊपर है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ये लेवल टूट जाता है 126 का तो ये स्टॉक यहाँ पर 116 रुपये 107 रुपये के लेवल्स दिखा सकता है। अगर आप देखेंगे तो फिबोनाची का जो लेवल्स था 126, तो उसी लेवल से आज स्टॉक ने रिवर्सल दिया है। 126 के नीचे आता है तो 116 रुपये एंड 107 रुपये के लेवल्स दिखा सकता है। शॉर्ट टर्म में अगर ये स्टॉक जो है 3-4% अगर जंप ही करता है तो मैं बाइंग की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मूवमेंट दिख चुका है। अगर यहां से जंप आता है मैं यहां पे बाई करूं तो अगेन वो स्टॉक गिरेगा तो मैं वहां पे फंस सकता हूं। ओला में शॉर्ट टर्म पर्पस के हिसाब से 5-6% 10% तेजी के पीछे मैं नहीं भागूंगा। अगर स्टॉक मेरे से मिस भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से मैं क्वार्टर टू के रिजल्ट्स का वेट करूंगा, एंड अगर मैंने लिया हुआ है तो मैं यहां पर नॉर्मली 126 रुपीज का SL लेके चलूंगा। थैंक यू।